गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज हम BSc फर्स्ट ईयर विषय पर्यावरण विज्ञान फर्स्ट पर्यावरण विज्ञान की प्रकृति के अंतर्गत पाठ्यक्रम पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम में अपने जो सोच के अंतर्गत पाठ्यक्रम में अपने गए सोच के दो बिंदुओं का अध्ययन कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम व मनोविज्ञान तथा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम एवं इतिहास जैसे महत्वपूर्ण दो बिंदुओं का अध्ययन कर चुके हैं। आज उसी को लगातार कंटिन्यू करते हुए नंबर 3 से अपने दिन के बारे में चर्चा करेंगे। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के अनेक विषय इस प्रकार हैं कि जो कृषि विज्ञान से संबंधित होते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के मिट्टियों के ज्ञान के आधार पर बालक यह जानने लगता है कि कौन कौन सी मिट्टी उपजाऊ है व उपजाऊ तथा कौन कौन सी मिट्टी अनुपजाऊ है। इसके साथ जलवायु एवं मौसम के आधार पर छात्रों को यह ज्ञान हो जाता है कि किस मौसम में कौन कौन सा फसल का उत्पादन होता है। जैसे ग्रामीण परिवेश में बल्ला व बालक यह बता देता है कि गेहूँ की बुआई शीत ऋतु के आरंभ की जाती है। इस प्रकार पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम का सरोकार कृषि विज्ञान से भी है। नंबर 4 पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम एवं नागरिक शास्त्र। नंबर 4 पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम एवं नागरिक शास्त्र इस बिंदु के अंतर्गत पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम का संबंध नागरिक शास्त्र से भी होता है। सामान्य रूप से बालक परिवेश में विभिन्न प्रकार के चुनाव संपन्न होते हुए देखता है, तो प्रश्न करता है कि चुनाव क्यों होते हैं, सरकार क्या होती है, वर्तमान समय में हमारे देश में किस प्रकार की सरकार है। इस प्रकार के विभिन्न प्रश्न बालक के पर्यावरणीय ज्ञान को नागरिक शास्त्र की ओर ले जाते हैं। नागरिक शास्त्र के ज्ञान के आधार पर ही बालक में प्रजातांत्रिक मूल्य के विकास की संभावना व्यक्त की जा सकती है तथा छात्रों में श्रेष्ठ नागरिक गुणों के विकास की संभावना होती है। अतः पर्यावरणीय अध्ययन पाठ्यक्रम के अनेक प्रकार नागरिक शास्त्र से भी संबंध होते हैं। फिर पर्यावरणीय अध्ययन पाठ्यक्रम एवं भूगोल। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम का संबंध भूगोल विषय से भी है। भौगोलिक बौद्धिक वातावरण में अनेक ऐसे तत्व एवं प्रकरण होते हैं जो भूगोल विषय से संबंधित होते हैं, जैसे जलवायु, चट्टान, ज्वालामुखी, ज्वार वाता, भूकंप, पर्वत श्रृंखला एवं खनिज पदार्थ होते हैं। ये सभी तथ्य पर्यावरणीय अध्ययन पाठ्यक्रम में होते हैं तथा भूगोल से भी संबंधित होते हैं। अतः पर्यावरणीय अध्ययन एक ओर परिवेश का ज्ञान प्रदान करता है तो दूसरी ओर भूगोल के ज्ञान से भी परिपक्व बनता है। अतः पर्यावरणीय अध्ययन एवं भूगोल के मध्य संबंध है। नंबर 6 पर्यावरणीय अध्ययन पाठ्यक्रम में मौलिक विज्ञान। पर्यावरणीय
पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम एवं भौतिक विज्ञान का संबंध एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से दृष्टिगोचर होता है। जैसे सूर्य ग्रहण होता है तो बालक प्रश्न पूछता है कि यह क्यों होता है, इसका क्या कारण है। सामान्यतः बालकों द्वारा यह पूछा जाता है कि कोई वस्तु ऊपर फेंकने पर नीचे क्यों आती है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर भौतिक विज्ञान से संबंधित होते हैं। इस प्रकार पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के अनेक प्रकरण भौतिक विज्ञान से संबंध रखते हैं। पृथ्वी की आकर्षण शक्ति एवं ग्रहों की गतियां भौतिक विज्ञान का विषय है। नंबर 7 पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम एवं वनस्पति विज्ञान। पर्यावरणीय अध्ययन पाठ्यक्रम में विभिन्न प्रकार की वनस्पति का विज्ञान प्रमुख विषय है। इसमें विभिन्न प्रकार के जलीय एवं स्थलीय पौधों का व्यापक ज्ञान बालकों को ज्ञान प्रदान करता है। प्राकृतिक वनस्पतियों को प्राकृतिक संसाधनों का प्रमुख अंग माना गया है। वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत भी छात्रों को विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के बारे में ज्ञान दिया जाता है। इस प्रकार वनस्पति विज्ञान से पर्यावरणीय अध्ययन पाठ्यक्रम का प्रत्यक्ष संबंध दिखाई देता है, क्योंकि दोनों के पाठ्यक्रम एवं उद्देश्यों में समानता पाई गई है। नंबर 8 पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम एवं जीव विज्ञान। पर्यावरण अध्ययन एवं जीव विज्ञान एवं जीव विज्ञान। पर्यावरण अध्ययन में विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को पाठ्यक्रम का प्रमुख अंग माना जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के पारस्परिक अंतर्निर्भरता को देखा गया है तथा उनके स्वभाव आदि का अध्ययन किया गया है। जीव विज्ञान में विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं की संरचना एवं उनके समूह आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है। स्थलीय एवं जलीय जीवों का वर्णन पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम एवं जीव विज्ञान पाठ्यक्रम का अभिन्न हिस्सा है। अतः यह सिद्ध होता है कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम एवं जीव विज्ञान पाठ्यक्रम में संबंध है, जो कि व्यापक रूप से हमें दिखाई देता है। नंबर 9 पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम एवं भूगर्भ विज्ञान। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम में भूगर्भ जल स्तर, पृथ्वी के जल स्रोतों एवं विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थों एवं पेट्रोलियम पदार्थों के स्रोतों का अध्ययन किया जाता है, जो कि भूगर्भ विज्ञान के प्रकरण से संबंधित होते हैं। भूगर्भ विज्ञान में बालकों को विभिन्न प्रकार के भूगर्भ संबंधी जानकारियाँ प्रदान की जाती है। इस प्रकार पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम एवं भूगर्भ विज्ञान में भी सरोकार है, जो कि इनके पाठ्यक्रम को विश्लेषित करने में दृष्टिगोचर होता है। आज इतना ही, कल हम इसी के बकाया पॉइंट्स हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।